अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अलावर्जा विद अनदर डे अनदर ब्लॉग इन माय लाइफ। सो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खैरियत से हैं। तो जी, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगानी में? यहाँ तो जी हो रहा है गर्मा गर्म नाश्ता, और आज मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे बाहर से नाश्ता, क्योंकि आज मेरी बड़ी नंद और नंदोई भी आए हुए थे। और जी आज बहुत स्पेशल डे भी था, क्योंकि आज मेरे बेटे ही रवि शेख की बर्थडे भी थी, और आज वैसे भी संडे था। तो संडे वाले दिन नॉर्मली सबके घरों में ही बाहर से नाश्ता आता होगा, क्योंकि संडे तो ऑफ होती है भाई। तो जी मैं तो अक्सर संडे को नाश्ता नहीं बनाती, मेरे हस्बैंड बाहर से लेकर आते हैं। और ये जो हलवा पूरी है ना, मैं अक्सर आपको व्लॉग में दिखाती हूँ, ये हमारी फैमिली की मोस्ट फेवरेट हलवा पूरी है। तो जी बस हमने यही कहा था कि यही लेकर आइएगा, और जी आज का व्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने बेटे की छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन, जो कि हमने घर पे ही की थी। और जी बस यहाँ पर मेरी नंद और मैं मिलके नाश्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। और जी नाश्ते के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ बर्थडे की सेलिब्रेशन। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैंने ले लिया ना। घर में बोलना, हाँ ये इस पे बर्थडे लिखना है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। लिखने को मतलब एचबीडी यहाँ से लिखना। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and जी यहाँ केक आ चुका है, और मैंने सौदा भी मंगाया था, क्योंकि आज दिल चाह रहा था मेरा बीफ पुलाव बनाने का। और जी मैं आपको भी रेसिपी देती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट सा पुलाव होता है ये, और बहुत ही मज़े का बनता है। और जी यहाँ मेरे हस्बैंड जो है पार्टी पॉपर्स और ये कैंडल्स वगैरह भी दिला के ले आए थे। और यहाँ देखिए मैं बीफ धो रही हूँ। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी अब मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए आ गई हूँ, और अब मैं यहाँ यखनी चढ़ा रही हूँ। और जी मैं किस तरह बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो जी 1 kg मेरे पास बीफ था, उसके अंदर मैंने चाँपे जो होती है ना वो भी ऐड करवाई थी, क्योंकि यखनी में जब तक आप चाँपे या इस तरह की चीज़ ऐड नहीं करें ना, तो यखनी का टेस्ट ही आता। तो जी बस यहाँ मैंने 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज होती है वो कट करके डाल दी, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। और जी यहाँ मैंने होल स्पाइसेस ले लिए, यानी कि गरम मसाले ले लिए, उसके अंदर मैंने 4 अदद छोटी इलायची लिए, 4 अदद बड़ी इलायची लिए, लौंगे लिए, काली मिर्च लिए, तेज़पत्ते और बादियान के फूल लिए। और जी हाँ सौंफ, और मैं यहाँ साबुत धनिया डाल रही हूँ एज इट इज़, मैं सब ये डाल दूंगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी 3 से 4 टेबल स्पून। और जी यहाँ मैं ऐड कर दूंगी नमक। तो जी बस यहाँ पे है ना अदरक लहसुन मैंने अभी 2 टेबल स्पून ऐड किया है, बाद में मुझे याद आया तो मैंने और ऐड कर दिया था। तो आप भी अदरक लहसुन है ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि यखनी में ना ये चीज़ें ज़्यादा जाती हैं, तो यखनी का मज़ा अच्छा होता है। तो जी बस यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। और आप है ना मैं पोटली बना के चाहें तो डाल सकते हैं, मैं अक्सर पोटली ही यूज़ करती हूँ ये सब ऐड करने के लिए, लेकिन मुझे बहुत जल्दी थी तो मैंने झटपट ना बस इसी तरह एज इट इज़ सब डाल दिया है। और जी बच्चों की फरमाइश आ गई थी कि मम्मा आलू भी ऐड कर दें, क्योंकि बच्चों को तो आपको पता है ना आलू बहुत पसंद होते हैं, चाहे वो सब्जी हो, सालन हो या चावल हो, मेरे बच्चों तो हर चीज़ में आलू ज़रूर ऐड करवा देते हैं। तो जी यहाँ मैंने आलू भी ऐड कर दिए, और जी यखनी बस बन रही है, तो देखते हैं बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं। तो जी यहाँ बच्चे रवि को सरप्राइज देने के लिए बलून्स वगैरह ब्लो कर रहे थे, जो चलें देखते हैं। तो जी यखनी हमारी रेडी हो चुकी थी। अब मैंने एक पतीली में ना 1.5 कप घी ऐड कर दिया है, और जैसे घी गर्म हुआ मैंने इसके अंदर 2 से 3 अदद दरमियानी साइज की प्याज कट करके ऐड कर दिए। तो जी जैसी प्याज लाइट गोल्डन होगी, हमें डार्क ब्राउन नहीं करनी है प्याज, क्योंकि हमें जो पुलाव है ना वाइट बनाना है। तो जी यहाँ वो ऐड कर दिया है मैंने, और 2 से 3 अदद लौंगे, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची ऐड कर दी थी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हमने यखनी में भी ऐड किए हुए हैं। तो बस ये मैंने कम यहाँ पर डाला है, क्योंकि मेरे बच्चों को और हस्बैंड को ना गर्म मसाला ज़्यादा नहीं पसंद, इस वजह से।
और जी जैसे देखें प्याज का कलर आप देख सकते हैं, इस तरह का लाइट कलर आपको रखना है। और जी यहाँ मैं ऐड कर दूंगी यखनी के अंदर जो मैंने गोश्त और पोटैटोज डाले थे ना, वो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। और जी अब मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे पुदीना और ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज मैंने बीच में से कट करके ऐड करी हैं ताकि हमारे पुलाव में जायका है। आप चाहे तो ब्लेंड करके भी मिर्चें डाल सकते हैं। और जी मैंने यहाँ दो मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके ऐड कर दिए थे, दही ऐड कर दिया था हाफ कप और सॉल्ट ऐड कर दिया था। दही ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो जी बस अब हम इन सब की भुनाई करेंगे इतनी कि हमारा घी ऊपर आ जाए। और फिर उसके बाद यहाँ मैंने ऐड कर दिया था कड़ी पत्ता, और ये देख सकते हैं आप इतना मैंने ऐड किया था, आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, इससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है पुलाव का। तो जी बस ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब ये मैंने तकरीबन 1.5 kg मैंने बासमती राइस सूख करके रख दिए थे पानी में, उसका पानी मैंने स्ट्रेन करके वो ऐड कर दिए यहाँ पे। और जो यखनी हमने बनाई थी ना, तो जी अब यखनी अब मैं इस राइस में ऐड कर रही हूँ। तो याद रखिएगा आपने लास्ट में यखनी ही ऐड करनी है राइस डालने के बाद, सिंपल सा टैप वाटर नहीं ऐड करना है क्योंकि यखनी वाला पुलाव है तो इसके अंदर यखनी ही यूज़ करेंगे हम। तो जी बस अब मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और जी यहाँ पर अब मैं राइस पकने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारा बीफ पुलाव बनकर कैसा लग रहा है। तो जी राइस पककर रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, और जी केवड़ा ऐड कर दूँगी, और उसके बाद मैंने ब्राउन किए हुए प्याज ऐड कर दी थी। तो जी बस यहीं पर अब मैं राइस को दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए तकरीबन, ताकि जो हमारा फूड कलर है और जो प्याज की खुशबू है ना, वो हमारे राइस में अच्छी सी रज बस जाए। तो जी आपको मैं दिखाती हूँ 10 मिनट बाद। तो जी ये रहा केक, जो कि बहुत ही यमिलीशियस और बहुत ही डिलीशियस केक था, हम सबको बहुत पसंद आया है। तो जी केक कट करते हैं अब। और जी ये जो आप केक देख रहे हैं, ये इनके मास्टर चाचू ने रवि को गिफ्ट किया था, तो हमने सोचा इसको भी कट कर लेते हैं। तो जी चलें एंजॉय करते हैं।
तो जी अब ये वो लम्हा आ गया है जिसका रवि को सुबह से ही बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। रवि कह रहे थे मामा बस जल्दी से मेरी बर्थडे हो, केक काट लें प्लीज़। दोपहर से रवि को बस जल्दी हुई भी थी कि जल्दी से आप मेरा केक कट कर लें, मैं गिफ्ट्स ओपन करूं और देखूं पापा ने और सब ने मुझे क्या दिया है। तो जी बस पहला गिफ्ट ओपन हो चुका है और माशाल्लाह से ये है लैपटॉप जो कि मेरे हस्बैंड ने रवि को गिफ्ट किया है उनकी बर्थडे पार्टी पे। माशाल्लाह रवि 8 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा क्यों ना रवि को अब लैपटॉप गिफ्ट किया जाए जो कि बच्चों के लिए एक एजुकेशन के तौर पर भी बेस्ट है। तो जी बस इसी लिहाज से मेरे हबी ने और मैंने सोचा कि हम क्यों ना रवि को ऐसी चीज़ दें जो कि उसको एजुकेशन में भी हेल्प करे और बच्चों की नॉलेज में भी इजाफा हो। और ये देखिए मैं आपको बलून दिखा रही हूँ, बच्चों ने खुद ने ही तकरीबन दोपहर से ही लगे हुए थे बच्चे बलून ब्लो करने में और सब बच्चों ने दिल से डेकोरेट किया था। और माशाल्लाह जो मेरी नंद की बेटी है ना जिमल, उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा है ना इसमें हेल्प की है। तो थैंक यू सो मच जिमल और अनाविया तायबा, सब बच्चों ने मिलके अला वर्जा ने जो मिलके मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी क्योंकि मैं नीचे कुकिंग में बिज़ी थी और बच्चों ने कहा चलें मामी हम डेकोरेट कर देते हैं रवि के लिए, तो बच्चों ने डेकोरेट कर दिया। तो जी बस ये हम गिफ्ट रीओपन कर रहे हैं, चलें मैं आपको भी दिखाती हूँ। बस मेरी बड़ी नंद अपने घर जा चुकी थी और जी बस यहाँ पर हम फूड पांडा से कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं और फूड पांडा इज़ द बेस्ट ऐप, मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है और अक्सर हम फूड पांडा से कुछ ना कुछ ऑर्डर ही करते रहते हैं। तो जी बस यहीं पर करती हूँ आज का ब्लॉग में अपना एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जी बाय बाय, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।